सो हाय गाइस, आज के इस वाली वीडियो के अंदर कंफर्म हो गया कि हमारे WWE रॉयल रंबल 2022 में हमारे टीन मैन ब्रोज यानी जॉन मॉक्सली अपना रिटर्न करने वाले। ठीक है, वीडियो के अंदर बताऊंगा किसने ये रिपोर्ट दिए किसने नहीं, वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर न्यू हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑल पर सेट। ठीक है, बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते गाइस। तो जो अभी ये कंफर्म किसने किया बता दूँ, अगर ये पिन साइड इन पिन साइड डब्ल्यू ने कंफर्म किया है, बड़ी है मतलब पिन डब्ल्यू इनसाइडर PW Insider। ठीक है, तीन चार बार बोल चुका, याद रखना PW Insider। ठीक है, ये कंफर्म किया है कि रॉयल रंबल में हमें सरप्राइज एंट्रेंस देखने को मिल सकती है, वो कौन से भी कंपनी में से देखने को मिल सकती है। ठीक है, गर्ल्स में जो गर्ल्स का 30 मैन रॉयल रंबल होगा उसमें भी देखने को मिल सकती है, या फिर जो लड़कों का होगा 30 मैन रॉयल रंबल यानी वीमेंस मेंस में, इन दोनों में से एक सरप्राइज एंट्रेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, सरप्राइज एंट्रेंस होने वाली 30 मैन रॉयल रंबल में, दोनों में से एक वीमेंस मेंस, ठीक है, दोनों में से होने वाली सरप्राइज एंट्रेंस बड़ी वाली आप देखना रॉयल रंबल। मैं बता रहा हूँ, इनसाइडर डब्ल्यू ने कंफर्म कर दिया है कि जॉन मॉक्सली आएगा, कौन भी आ सकता है हम ये रॉयल रंबल 30 मैन में। इनसाइडर डब्ल्यू ने कंफर्म कर दिया है, ठीक है, वीमेंस मेंस में कोई भी आ सकता है, किसके चांसेस नहीं है, कौन सी भी कंपनी में से है, इम्पैक्ट, AEW, ROH, NJPW, कौन से भी कंपनी में से आ सकते हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इनसाइडर AEW को ने कंफर्म कर दिया, मतलब उनकी रिपोर्ट हर बार सक्सेस ही जाती है और सक्सेस जाती रहेगी। ठीक है, उनकी सक्सेस जाती है हमेशा रिपोर्ट इनसाइडर डब्ल्यू की। ठीक है, सबकी मतलब जो जो जाती है सबकी। वीडियो को करना लाइक, चैनल में न्यू आना चल चैनल को करना सबका, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑल पे सेट। कंफर्म न्यूज़ है। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में रॉयल रंबल के रिलेटेड प्रेडिक्शंस।